हेलो गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा और आज हमारा वीक ऑफ है। आज संडे है जैसा कि, तो आज हमें छुट्टी मिली है, तो आज हमने सोचा है कि आपके लिए एक वीडियो क्यों ना बना दे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। आप पूछते हो कि भाई क्या कैसा है आपका शेड्यूल, 9 to 9 ब्रेक वगैरह कैसे मिलते हैं, अच्छा रहता नहीं रहता है। और आप ये भी पूछते हो कि भाई IAS में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, और भी चीज़ें हैं जो भी है। अभी मैं देखूंगा कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं ठीक है, तो इस वीडियो में। और किसी ने पूछा है कि भाई व्हाट इज योर डेली शेड्यूल एंड फ्रॉम 9 to 9 हाउ मेनी आवर्स यू आर टीचिंग, नॉट टीचिंग, आई मीन यू आर स्टडिंग, ओके, प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, ब्रेक्स मिलता है नहीं मिलता है, ओके, आपका शेड्यूल बता दीजिए, और डेटा रिक्वायर्ड कितना होता है, कितना डेटा लगता है आपकी क्लासेस में, ये सब पूछा है। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आज। तो सबसे पहले तो हम मसाई के पास आए क्यों? मसाई के पास पहले हम देखते हैं इनका ऐड दिखा, या फिर किसी ने बताया हो कि भाई ना पैकेज मिलेगा तगड़ा वाला, बिल्कुल 5 LPA तो मिलना ही है, बाकी आप 10 LPA, 15 और हाईएस्ट है 36, क्यों ना मेरे को 36 मिल जाए। तो ऐसा है, वैसे ये ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन यार मेहनत और टाइम बहुत बहुत मांगती है, क्योंकि यूनिट 1 में था तब तो ठीक है, 9 to 9 शेड्यूल का इन्होंने बोला, लेकिन ब्रेक काफ़ी मिल जाता था, अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता था यूनिट 1 में। तो वैसे अगर अब हम क्या है कि कुछ करते नहीं या फिर पढ़ते हैं तो वैसे फ्री रहते हैं दिन भर, लेकिन जब मसाई ज्वाइन करोगे यूनिट 1 में तो आप फिर भी थोड़ा फील करोगे कि यार पूरा दिन बुक हो गया, लेकिन यूनिट 1 में फिर भी हम फ्री रहते हैं, यूनिट 2 से पता चलता है कि हाँ भाई इसे कहते हैं बिजी रहना। सो यूनिट 1 में मिल जाता है और काफी ब्रेक मिलता है भाई, एक एक 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का क्लासेस में। तो बस ये है कि 9 to 9 आपको एक्टिव रहना है, कभी भी क्लास या कभी भी मीटिंग या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो 9 to 9 यू हैव टू बी एक्टिव, ओके, ऑन योर स्लैक, ईमेल और ऑन योर पोस्ट प्लेटफॉर्म। और फिर असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम करना है, क्योंकि फिर पेंडिंग रह जाते हैं, तो इन सब का रहता है ऐसा। एवोल्यूशन में भी अच्छा परफॉर्म करना होता है, अगर एवोल्यूशन में अच्छे परफॉर्म करते हो, आपको 50% अबोव मार्क्स लाते हो तभी आप प्रमोट होते हो, नहीं तो प्रमोट नहीं होगी यूनिट 2 में। ऐसा नहीं है कि ये वो है कि भाई तुम्हें, मैंने ये सोचा था मैंने कि भाई चलो हो जाएंगे ऐसे पास, तो नहीं, देख लिया मैंने भाई एसिंग लग गया था, क्योंकि मैंने काफी किया था लेकिन कुछ असाइनमेंट्स पेंडिंग थे और लास्ट के एवोल्यूशन में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था सिर्फ, बाकी पहले वाले में सब में अच्छा था, तो नहीं हुआ प्रमोट यूनिट 2 में। तो वहां से समझ गया कि भाई ना जिन्यून है मसाई, ना पागल नहीं मनाती, तो वहां से मेरे को थोड़ा भरोसा हुआ, ज्यादा भरोसा हुआ मसाई। अब ये रही बात ओके मसाई की, और बाकी 9-9 शेड्यूल भी मैंने आपको बोला कि 9 to 9 एक्टिव रहना है, बाकी यूनिट 1 में ऐसा ज्यादा भारी काम रहता नहीं, और ठीक है काफी बहुत सुफिशियंट ब्रेक मिल जाता है मस्त। बाकी ऐसा है कि जैसे 1 घंटे का टाइम मिला तो आप सोचते हो दूसरा काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं कर सकते पूरा वो, तो क्योंकि कभी भी क्लास या कुछ भी हो जाए तो अपना टाइम वो किसी काम का नहीं है, आप फ्री रहोगे तो हाँ ठीक है कि ब्रेक ले लिया, घूम लिए, फिर लिए, गाने सुन लिए, जो भी है बीच में कर सकते हो, बाकी ऐसा ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता है। तो ये सब है 9 to 9, बाकी इरिटेट नहीं होते हो उस शेड्यूल से, ऐसा है, और रूल्स रेगुलेशन जो बताता है वो फॉलो करना पड़ेगा, वरना बहुत से लोगों को निकाल दिया मसाई ने, अभी भी देखा, क्योंकि मेरे साथ ना 1600 लोगों ने ज्वाइन किया था और अभी शायद कुछ 600 लोग तो प्रमोट हुए थे यूनिट 2 में पिछली बार, और अभी हुए हैं 150 लोग, लगभग 150 के करीब, तो 1600 में से कितने बचे हैं, 700, 750, या फिर टोटल अभी जो XY में जो प्रमोट हुए होंगे ना 800-900 बचे हैं, बाकी इतने को निकाला है मसाई ने, कुछ लोग निकल गए अपने आप भी, ऐसे भी मीन्स 20-50 ऐसे होंगे शायद, लेकिन बाकी लोगों को ना मसाई ने निकाल लिया, वो कैपेबल नहीं थे। तो ऐसा भी होता है, मतलब ऐसे हर किसी को रखते भी नहीं है, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी यहाँ पर, नहीं तो यूनिट 2 में प्रमोट होंगे नहीं आप। ये सब चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती है, और रूल्स रेगुलेशन इसलिए है क्योंकि ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल बना रहे हैं आपको, क्योंकि ना अगर आपको पैकेज अच्छा दिलाएंगे तो, यानी कि पैकेज अच्छा अच्छी कंपनियां देती है, और अच्छी कंपनी को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय चाहिए ना, तो बस वही बनाती है, क्योंकि उनकी भी रेपुटेशन उनको मेंटेन करना है कि वो ना दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ओके, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो मतलब अगर कुछ भी अपन लोगों को कुछ आता नहीं है यार, और बस जैसे कि अपना कुछ कोडिंग अच्छा आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, और वो लोग हमें प्लेसमेंट में बिठाते हैं, तो उनकी भी बेज्जती होती है यार, ये ऐसे मसाई के स्टूडेंट, तो शायद प्लेसमेंट में उनको भी फिर उन पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है कोई कंपनी, तो वो उनकी रेपुटेशन भी मेंटेन करते हैं,
ओके, क्योंकि यहाँ पर ना इंडिया में बहुत से लोग हैं, हमें कोई वो नहीं है कि भाई हमें रखना जरूरी है, और 1 लोग से 3 लाख रुपए लेंगे वो, तो उन्हें बहुत ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए, सब वो चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन वो चाहिए जो बिल्कुल अच्छे हैं, जो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कमी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, तो बहुत से लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मसाई से चले जाओगे तो मसाई का बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत लोग इस फील्ड में भी आना चाह रहे हैं, तो ऐसा है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं, यूनिट 2 में मैं प्रमोट हुआ, तो यूनिट 2 का जो पहला वीक है, अभी 1 वीक हुआ है, तो यूनिट 2 के पहले दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि नॉर्मल सा पढ़ा है। यूनिट 2 का जो दूसरा दिन था, उस दिन असाइनमेंट मिला था, बढ़िया सा एक पेज बनाया, और मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में जो असाइनमेंट्स बनाए हैं, एक वीडियो में तो मैंने असाइनमेंट कैसे बनाया वो भी दिखाया है, शायद 2 वीडियो इस टाइप की, एंड बाकी मैं क्या क्या असाइनमेंट बनाए हैं अभी पता है मैंने। ओके, तो ये 1 वीक हो गया, अभी मंडे को इवोल्यूशन है, देखते हैं उसमें कैसा स्कोर रहता है, अभी तक तो बढ़िया है, सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं और अच्छे से चल रहा है सभी सब कुछ, सो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा कि काफी कुछ सीख रहे हैं, और अभी यूनिट 2 में तो CSS HTML है, तो कुछ मतलब जो कर रहे हैं, यूनिट 1 में तो आउटपुट क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट का बेसिक था, तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि हमने कुछ बनाया है, तो यार वेब पेज बनाया, वेबसाइट बनी है, नहीं ये कुछ दिखता नहीं था, बाकी लॉजिक सीखते थे उसमें, जो चीजें थी जावास्क्रिप्ट का बेसिक था, बाकी अभी यूनिट 2 है, तो इसमें ना जो बनाते हैं ना वो दिखता है कि हाँ भाई अपन ने ना पेज बना लिया है, कि ये ना एक पेटीएम का पेज दिया था, तो अच्छा लगा कि यार हाँ यार सीखे, हम कुछ सीख रहे हैं, ये ना पेटीएम का पेज बना रहे हैं आजकल हम, मतलब वी आर गोइंग टू बी अ डेवलपर, सो बहुत अच्छा लगता है ये सब अपना आउटपुट देख के कि हम कुछ कर रहे हैं, सो ये वीक में। और बाकी मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा दोस्त जो कि आगे वाली यूनिट में है, उसने यूनिट 2 में ही के एंडिंग में कंस्ट्रक्ट वीक में एक वेबसाइट बनाई थी नेटमेट्स। ओके, सो इसमें एक वेबसाइट बनाने को भी मिलेगी हमें भी, तो जो भी आएगा मसाई में उसे सबको मिलेगी, और फिर यूनिट 6 तक तो काफी कुछ सीखेंगे इस टाइप से। और ऐसा है कि प्लेसमेंट में वही लोग जाते हैं प्लेसमेंट तक जो ना कैपेबल होते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इन यहाँ पर स्केलेथोन की भी क्लासेस होती है, उसका भी टेस्ट होता रहता है, अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हो तो भी बाहर निकाल देते हैं लोग, क्योंकि आप कोडिंग अच्छा कर रहे हो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कोई कंपनी आपको लेगी नहीं, कंपनी लेगी नहीं, और आपको 6 यूनिट तक प्रमोट करते रहेंगे मसाई, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि बाद में आप बोलोगे भाई हमें जॉब लगाओ ना, हमें प्लेसमेंट दो प्लेसमेंट दो, तो प्लेसमेंट कहाँ से देंगे, आपके स्किल्स नहीं है, चलो आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है भाई, आप ना बहुत जल्दी काम सबसे जल्दी करके देते हो, लेकिन यार किसी से बात नहीं कर पा रहे हो सही से, मतलब ओके, ये क्वालिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो फिर नहीं चलता, तो ये सब चीजें हैं, तो वो सब ध्यान रखते हैं हर चीजों का, और हमें हर चीजें फॉलो करनी पड़ती है, और ऐसा है कि ग्रुप में जब क्लासेस चलती हैं ऐसे, तो पहले यूनिट 1 में मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, यार क्लासेस चल रही है, और जैसे व्हाट्सएप पे हम ना क्लास नहीं करते किसी टीचर की, यूट्यूब पे वो फ्री वाली, तो कोई भी बच्चे आते पढ़ने और ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उनके जो मन में आया वही बक दिया, पता नहीं क्या चल रहा है अभी क्लास में, और वो क्या बक रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं उनके बात का और क्लास का, तो ऐसे लोग भी आए थे यहाँ पे ज्वाइन, मतलब MCET पास करके, और वो एक दिन तो बोला था योगेश भट्ट जो है स्केलेथन क्लास रहते हैं, ओके सॉफ्ट स्किल्स की, तो बोले भाई इनको किसने पास कर दिया, और फिर उनको निकाल भी देते हैं ना, उनसे बात होती है कि भाई क्या मतलब क्या सोच के लिखा है ये सब तुमने कमेंट में, तो सब ध्यान रखते हैं, बाकी बहुत स्ट्रिक्टेड है, ओके स्ट्रिक्ट है मसाई, तो हर चीजों का ध्यान रखती है, अब वैसे भी यार ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना बहुत प्रोफेशनल है, तो वो उस हिसाब से आपको बनाना चाहती है, अगर यार आपको बना रही है तो बहुत कुछ दे रही है, क्योंकि आपको एक एटीट्यूड दे रही है एक प्रोफेशनलिज्म का, और एक अलग ही बना रही है यार, आपको एक बहुत बेस्ट वर्जन मिलेगा, अगर आपने मसाई को 6 महीने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, इम्प्लीमेंट कर ली, जो भी उसने चीजें बताती है जो भी आपको, वो अगर आपने आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो मजा आ जाएगा यार, मैं तो ना बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि ना ये प्रोफेशनलिज्म सिखा रही है, जीना सिखा रही है, लाइफ में एटिकेट्स क्या होते हैं ये चीजें सिखा रही है यार, कैसे मतलब चीजों को टाइम, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई दिन भर कुछ नहीं, जैसे मूवी देख ली या कुछ ऐसे पढ़े ऐसा करते थे जैसे पहले कुछ जब नहीं करते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि यार एक दिन में कितना कुछ कर लेते हैं, 6-7 महीने में कितना कुछ सीख लेंगे, अगर शायद मसाई ज्वाइन नहीं करते तो और 6-7 महीने वेट करते, कुछ और करते ना, टाइम इज मनी, आपको पता है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ जो लोग कहें, जो लोगों को अच्छा लगे कि गो विद द गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब्स इट्स नॉट गुड, ओके जो आपको लगे वो करो, बाकी
मैं तो मुझे लगा मैं वहां पे ट्राई कर लिया, मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे लगता था जितना कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया। ओके अब ना अब मुझे कुछ और ट्राई करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके सो ऑब्वियसली ऐसा है कि भाई सभी को ना ज्यादा कमाना है, तो यही सोच के सब आते हैं इस फील्ड में कि भाई ना कॉरपोरेट वर्ल्ड इज मनी मेकिंग फील्ड। सो इट इज ट्रू, बट ये सही मतलब तभी सही है जब आपकी मेहनत है भाई, दिन रात मतलब पता नहीं चलता है ना कि कब दिन कब रात तभी पैसे मिलते। सो दिस इज द होल। और आईएसए का जो था, आईएसए का क्या था कि आईएसए में चेंज इसलिए किया कि यार अभी ना बहुत सारे लोग एडमिट हो रहे हैं मसाई में, मतलब बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या होता है कोई भी आ रहा है और कोई भी मस्ती कर रहा है, कोई मतलब कुछ भी बोल रहा है यार इसमें मसाई में आके कुछ भी, तो वो लोग थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब कोई चीटिंग कर रहा है, अब चीटिंग करके पास हो जाते हो आप, आगे प्रमोट हो जाते हो, तो फिर उनको दिक्कत आती है आपको प्लेसमेंट कराने में। तो उन्होंने क्या किया कि यार ऐसे तो ना मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, और फिर यूनिट 2 में आप छोड़ के चले जाते हो, 3 में चले जाते हो। तो उन्होंने वैसे कह रखा है कि आपको ऐसा वैसा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ 3 लाख रुपीज का जो था वही था आपका एनबीएफसी और आईएससी सिग्नेचर, क्योंकि वो लास्ट में अप्लाई होगा जब आप यूनिट 6 कंप्लीट कर लोगे। लेकिन बस आपसे बोलते थे कि 50,000 आपको देने पड़ जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ उन्होंने करा नहीं था इम्प्लीमेंट उनके आईएसए में। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि 50,000 का जो आपका एग्रीमेंट है वो ऐसा बना दिया, अगर आप यूनिट 2 के बाद ओके और 6 से पहले मतलब यूनिट 2 टू 5 अगर छोड़ के चले जाते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका एनबीएफसी 50,000 वाला 1,300 कुछ रुपए की किस्त बन के और चालू हो जाएगा, और ठीक है चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको वैसे ज्यादा वो भी नहीं है, बहुत सारे लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं, इसमें दिक्कत वो भी है और बाकी हैंडल नहीं कर पा रहे मतलब लोगों को, और लोग प्लेजरिज्म कर रहे हैं, चीटिंग वगैरह कर रहे हैं, सब ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि उनके पास 3 ऑप्शन थे कि या तो एडमिशन के बाद हम 10,000 रुपये फीस रख दें तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई चलो मतलब जिनको जरूरत है ना, जो कि हाँ सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं वही पैसे देंगे, और पैसे देने वाले आएंगे, और जो पैसे देंगे ना वो लोग सीरियस रहेंगे चीजों को लेके, कुछ भी बकेंगे नहीं क्लास में कुछ भी, तो थोड़ा सीरियस रहेंगे। सो अच्छी बात है ना, ये सही है ना, कोई क्या गलत है इसमें। तो इन्होंने नहीं यार किसी से पैसा नहीं लेना, क्योंकि ना पैसे के लिए तो लोग यहाँ आ रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है तभी। तो फिर दूसरा ऑप्शन कुछ और था उनका, मैंने आई थिंक मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी जो एक जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जो इन्होंने इसमें मतलब ऐड किया है वो आपको बताता हूँ। दूसरा था कि 50,000 का जो डर आपके अंदर कि भाई अगर तुम्हें करना है आओ, और अगर यूनिट 2 से 5 के बीच में छोड़ दोगे ना आप, 50,000 रुपये सेंक्शन हो जाएंगे, लोन सेंक्शन आपके नाम से, जो कि 1,300 रुपये की 36 महीने तक किस्त चलेगी, फिर देते रहना और खूब मजाक मस्ती करके और चले जाना, ठीक है भरते रहना किस्त फिर। तो ये चीजें थी आईएसए में, ये चेंज हुआ है। अगर जैसे बीच में आप कभी छोड़ के चले जाते हो ना तो 50,000 का लोन सेंक्शन हो जाएगा, नहीं छोड़ते हो तो फिर तो वो 3 लाख का होगा लेकिन वो जॉब के पास। तो ये आईएसए का सिंपल है यार, कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है मतलब वैसे आप ना ये वीडियोस वगैरह क्या देखते हो सर्च करते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले एमसेट दो ओके, मसाई को ज्वाइन करो, किसी से कुछ मत पूछो, ज्वाइन कर लिया आपने। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे कि जब आप वहां आओगे ना आपके पूरे डाउट क्लियर कर देगा, उससे पहले कुछ भी एनबीएफसी आईएसए कुछ भी साइन नहीं कराने से पहले क्लियर बता देंगे आपको सारी कंडीशंस, आपको पूरा वो डॉक्यूमेंट दे देंगे पीडीएफ में कि भाई ये है पढ़ लो पूरा अपना, इसके अलावा कुछ नहीं है, पूरा आईएसए एनबीएफसी यही है ओके। तो उसमें सही से पढ़ लेना आप, बिल्कुल बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ना, 4 दिन तक 8 दिन तक पढ़ते रहना उसको ओके, 1 महीने पढ़ना पूरा, 1 महीने बाद आपको यूनिट 2 में प्रमोट करेंगे अगर आपने मेहनत की है तो ओके। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, वो सब आपको सिखा देंगे, और वो 1 महीना फ्री है, उसमें देख लेना आपको जमता है, आपसे हो पाता है नहीं हो पाता है ओके, उसका आईएसए आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करना या मत करना, ऐसा है उसमें। तो भाई तो टेंशन बिल्कुल ना लो आप, क्योंकि वो सब बता देंगे जब आप ज्वाइन कर लोगे फ्री वाले महीने में, और बिल्कुल जबरदस्ती करवाएंगे नहीं, आपसे बोलेंगे भाई आपको नहीं लग रहा है, नहीं जम रहा छोड़ दो मत करो, क्लियर बोल देंगे, आइए से पढ़ लो अगर आपको अच्छा लगता है तो करो वरना मत करो, ऐसा है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की दिक्कत वाली बात नहीं है ओके। सो वो सब वहां पर आपको दिखा देंगे ओके। सो ये थी सारी चीजें आपके डाउट, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको सब डाउट क्लियर कर देंगे वो लोग, क्या पढ़ना चाहिए
ये पूछ रहे थे, तो आपको मसाई ज्वाइन करने से पहले जावा स्क्रिप्ट का बेसिक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यूनिट वन में हम इस फील्ड से अगर नहीं है, दूसरी फील्ड से आते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है। तो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक पढ़ लो, यूट्यूब वगैरह से कहीं से कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बाकी बस यही है, और ज्वाइन कर लो सिंपल। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम पूरा देना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकते इस ड्यूरेशन में। आप सोचते हो हमारे सेमेस्टर के एग्जाम है, नहीं दे पाओगे, मसाई ज्वाइन कर लेना। तो अगर कुछ एग्जाम आ गए ना, तो एग्जाम दोगे तो मसाई छूट जाएगी, और मसाई नहीं छोड़ना चाहते तो एग्जाम छूट जाएगी। टाइम नहीं मिलता यार, नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता। बहुत ऐसा असाइनमेंट मतलब मिलते हैं, वो टाइम लगता है असाइनमेंट्स में। और ये तो यूनिट टू है, फिर यूनिट थ्री में और टाइम नहीं मिलेगा, फोर में और नहीं मिलेगा। और पता चला कि यूनिट फोर में आपके एग्जाम्स है, और आप ना 2 महीने चाहिए आपको पूरा मसाई का कोर्स कंप्लीट करने में, फिर जॉब लगेगी आपकी। और अगर आप चले गए उधर कॉलेज का एग्जाम देने, और फिर ये यहाँ ना यहाँ करोगे ना वहाँ करोगे, और अगर आपकी गलती से आप मसाई में एसिंक लेते हो, तो फिर मसाई की कोई गलती नहीं, फिर वो आपके ऊपर वो 50,000 वाला फंडा हो जाएगा। तो आपको ना ज्वाइन करना जरूरी है। बाकी जेन्यून रीजन है, अगर आप बीमार हो, कुछ हो, कोई दिक्कत होती है ना, तो मसाई आपकी हेल्प करता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी एसिंक दो रहते हैं, एक यूनिट में एक ही एसिंक लग सकता है, एक एसिंक से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी पूरे ड्यूरेशन में आपको दो एसिंक अलाउ है, अगर दो एसिंक से ज्यादा हुए तो आप मसाई से निकाल दिए जाओगे। पर हाँ, ऐसा भी है, अगर आप नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आपके कोई पैसे नहीं लगते। मतलब 50,000 का लोन सेक्शन नहीं होता कि हाँ भाई हम पूरी अटेंडेंस है हमारी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मसाई बोलती ठीक है आप नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। बाकी अगर हम कर पा रहे हैं, और हम कह रहे हैं 2-3 महीने यहाँ पर दूसरी तीसरी यूनिट में, कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, अब हमें नहीं जम रहा, हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, तो फिर बोल रहे हैं नहीं भाई, हमने ये उन्होंने बोल भी दिया एक दिन, भाई चैरिटी नहीं है ये, एक प्रोमिस है, हम आपको सिखाएंगे, जब आपकी जॉब लगेगी आप हमें पैसे देना। ये मतलब वो है कि एक डील है, क्योंकि तो बोले हम यहाँ पर चैरिटी और ये करने नहीं आए। तो ये थे आपके डाउट, मैंने जो भी था बिल्कुल जेन्युइनली, गाइस मुझे किसी से कोई पैसा नहीं मिल रहा, मतलब किसी को, और ना किसी को पागल वागल बनाने की बात है। जो जेन्युइन बात थी वो मैंने आपको एक्सप्रेस कर दी, जो मेरी फीलिंग थी। ओके, जो आपने पूछा उसका जेन्युइनली सही से मैंने आपको जवाब दे दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हो, तो प्लीज कमेंट बिलो एंड आई विल आंसर यू शॉर्टली, एज सुन एज इट विल बी पॉसिबल। ओके, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, थैंक यू।